हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज हमारा ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर रहेगा। और जैसे कल हमने बताया था कि यहाँ पर ये तीन रेखाएं हैं, और आप लोगों को ग्लोब के बारे में बताया था, उसमें अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, मकर रेखा, कर्क रेखा, वो सभी बताई थी। तो आज हम एक बार मैप पर नज़र मारते हैं कि ये जो मैप है, यानी कि यूरोप कहाँ पर है, एशिया कहाँ पर, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है। तो यहाँ पर महाद्वीप करेंगे, और कुछ और जो प्रश्न उठेंगे यहाँ से उनको डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो अगर हम सबसे पहले महाद्वीप की बात करते हैं, तो हमारे टोटल 7 महाद्वीप हैं। हम वहाँ यहाँ पर एरिया के हिसाब से लिख रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे बड़ा जो है पहले नंबर पर आता है एरिया में, वो एशिया। कौन सा है? एशिया। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये यहाँ तक है, ठीक है। ये पहला नंबर पर आता है एरिया के हिसाब से। दूसरा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका, ये नंबर दो पर आता है एरिया के हिसाब से। नंबर तीन पर आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ये नंबर तीन पर आता है। नंबर चार पर आता है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। नंबर पांच पर आता है आपका अंटार्कटिक, अंटार्कटिक। और नंबर छह पर आता है आपका यूरोप, और नंबर सात पर आता है ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने 7 क्या है महाद्वीप हैं, और इन पर क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। भाई सबसे बड़ा कौन सा है? भाई एशिया है, और विश्व का यहाँ पर 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, और वो था हरियाणा पुलिस के क्लर्क का, सॉरी हरियाणा पुलिस HSSC के, हरियाणा पुलिस का। तो उसमें पूछा गया था भाई विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, तो अफ्रीका। तो कुछ भी पूछ सकता है, क्या पता छोटा पूछ ले, आप कैसे पूछ ले, आपको 7 तो कि उनकी रैंकिंग पता होना चाहिए भी एरिया के हिसाब से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। और यहाँ पर एक, यहाँ पर ये मैंने बनाया है, इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड क्या है? एक द्वीप है। क्या है? द्वीप। ये महाद्वीप है, ये द्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है? द्वीप है। कौन सा? ग्रीनलैंड। अब बात बता दें आपको, एक द्वीप होता है, एक प्रायद्वीप होता है, ठीक है। एक मैं यहाँ पर खाड़ी लिख रहा हूँ, जिसको नहीं पता भाई क्या चीज़ होती है द्वीप, प्रायद्वीप और खाड़ी। द्वीप वो होता है जिस भूस्थल के चारों तरफ क्या होता है? पानी होता है। जैसे मैं यहाँ पर, कोई भूस्थल है, ये भूस्थल है, इसके चारों तरफ जब पानी आ जाता है तो ये द्वीप का रूप ले लेती है। तो यानी कि जिसके चारों तरफ पानी हो वो क्या होता है? द्वीप। जिसके तीन तरफ पानी हो, मान लो ये है, ये भरा हुआ है, लेकिन इसके यहाँ तीन तरफ है, लेकिन पीछे क्या है? ये सारा भूस्थल है, लेकिन यहाँ पर पानी है इसके तीन तरफ, तो ये क्या होगा? प्रायद्वीप। खाड़ी क्या होती है? खाड़ी वो होती है जिस, इसका अपोजिट कर दो प्रायद्वीप का, भाई यहाँ पर प्रायद्वीप में क्या है भाई? जिसके तीन तरफ पानी हो, यानी जिस भूस्थल के तीन तरफ पानी हो। और खाड़ी का क्या होता है कि पानी के तीन तरफ भूस्थल हो, यानी जिस पानी के तीन तरफ भूस्थल हो वो खाड़ी होती है। चलिए, अब यहाँ पर द्वीप पर पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, ठीक है। ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का, सॉरी प्रायद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप।
तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ये है भाई, इसको बोलते हैं अरब का प्रायद्वीप, अरब का प्रायद्वीप, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, ठीक है। ये इसमें जो अरबिक कंट्री है वो सभी आती हैं, जैसे सऊदी अरब हो गया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये लगभग सभी यहीं पर आती हैं, तस्मानिया, तुर्की, ये सभी आ जाती हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है, वो इम्पोर्टेंट है, कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सॉरी प्रायद्वीप कौन सा, विश्व का दूसरा। अब यहाँ पर देखो, ये विश्व का पहले नंबर पर आता है एरिया में, और हमारा दक्षिण भारत भी, क्योंकि देखो यहाँ पर भी तो ये क्या है, एक भूस्थल है यहाँ पर, लेकिन इसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, यानी तीन तरफ पानी हो गया, ऊपर नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, तो कौन होगा, दक्षिण भारत। आंसर क्या होगा, दक्षिण भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन गए, चलिए आगे करते हैं। तो और क्या क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर देखेंगे, द्वीप पता चल गया, प्रायद्वीप और खाड़ी। अब खाड़ी के ऊपर क्या होगा, खाड़ी बता दिया मैंने क्या होता है। अब विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी यानी जिसके तीन तरफ क्या होता है, यानी जिस पानी के तीन तरफ भूस्थल हो, तो ये है भाई हमारी बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। क्यों, क्योंकि इधर देखो भाई हमारा भारत है, श्रीलंका है, इधर क्या है ये इंडोनेशिया वगैरह है, मलेशिया है, ये इधर ये सभी देश आ गए, आगे जाके ये कौन सा आ जाएगा, सिंगापुर आ जाएगा, लेकिन इधर हमें मेन ये लेना है, तो ये बंगाल की खाड़ी, ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल जिसको बोलते हैं। यहाँ पर भारत की नदियाँ गिरती हैं, नील कौन सी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसी में आती है वो। चलिए अब करते हैं और क्या बनेंगे क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपको महाद्वीप पता चल गया, सबसे बड़े, सबसे छोटे, और टोटल आपको, अब यहाँ पर महासागर पर भी क्वेश्चन पूछ सकता, तो यहाँ पर मैं महासागर बना रहा हूँ। एक महासागर भाई यहाँ पर जिसको हम एस की आकृति में लेते हैं, किसकी, एस की आकृति में, यानी जिसको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी ऐसा कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एस शेप की हो, तो वो कौन सा होगा, अंटलांटिक, अंटलांटिक महासागर, या फिर इसको अंध महासागर भी बोलते हैं, अंटलांटिक या अंध महासागर। इसी महासागर में बारमूडा ट्रायंगल है, बारमूडा, बारमूडा ट्रायंगल सुना होगा, बारमूडा ट्रायंगल जो उड़ते हुए जहाजों को अपनी ओर खींचता है, यानी जिसमें चुंबकीय पदार्थ, क्या जैसे चुंबकीय होता है ये कहा जाता है, अभी यहाँ पर चुंबकीय पदार्थ हैं जो वाहनों को, उड़ते हुए वाहनों को अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। इसका वैसे सबसे पहले जिक्र किसने किया था, यानी पता तो लगा नहीं था, लेकिन उसको ऐसे क्या हुआ था, महसूस किया था उसने, सन 1492 ईस्वी में, कौन था 1492 ईस्वी में जिसने अमेरिका की खोज की थी, कोलंबस, कौन था, कोलंबस, कोलंबस यहाँ फ्रांस से, वैसे फ्रांस से निकला था, क्योंकि ये क्या थे, व्यापारी थे, ये व्यापार की खोज में चले हुए थे, लेकिन इनका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव था व्यापार करने का भारत में, ठीक है। जब भारत की खोज की थी 1498 में, किसने की थी, वास्को डी गामा ने, वास्को डी गामा यहाँ से आया था, और वो इस रास्ते से, यानी कि अटलांटिक महासागर से होते हुए, वो कहाँ पर आया था, सबसे पहले केरल में, कहाँ पर आया था, केरल में, उससे पहले यानी 1498 से पहले 1492 में, वैसे तो वो भारत के लिए आया था कोलंबस, लेकिन वो यहाँ पर आते हुए रास्ता भटक गया था समुद्र में, तो रास्ता भटकने के कारण वो कहाँ पर पहुँच गया, अमेरिका पहुँच गया। ये जो पार्ट है ये ऊपर, ये सॉरी ये कनाडा का ऊपर, नीचे अमेरिका है, और ये मैक्सिको है, और ये मैक्सिको की खाड़ी है, यानी कि वो यहाँ फ्रांस से चला था, उसको आना था कहाँ पर, इस रास्ते से भारत, लेकिन वो यहीं पर भटक गया और वो पहुँच गया अमेरिका 1492 में, इसलिए कहा जाता है भाई अमेरिका की खोज 1492 में, हालांकि अमेरिका पहले ही, लेकिन उसने एक रास्ते की खोज की थी,
फिर बाद में 1498 में कौन आया था, वास्को डी गामा। चलिए उसके बारे में जब हिस्ट्री करेंगे बाद में करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा था भाई, बारमूडा ट्रायंगल। तो जब वो 1492 में यहाँ से गया था, तो जो वो अपना वाहन ले रहा था, तो उसको उसको ऐसे महसूस हुआ कि उसको कोई खींच रहा, उसने अपना रास्ता बदल दिया था। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। आगे क्या इसमें बारमूडा ट्रायंगल है, और एक यहाँ पर आता है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ठीक है, ये यहाँ पर भी लिखते हैं, हम यहाँ पर भी लिखते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस बोर्ड को पृथ्वी की तरह गोल कर दूं, तो ये जो इधर वाला पार्ट है इधर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर इधर है, ये जो उत्तरी अमेरिका है, और ये हिस्सा किसका, रूस का, ये आपस में मिल चुके हैं। और इनमें जो लास्ट का जो देश होता है वो कौन सा, अलास्का, जो पहले रूस का हिस्सा होता था यहाँ पर, लेकिन रूस ने अमेरिका को बेच दिया था। चलिए, ये प्रशांत महासागर है, ये सबसे बड़ा भी है और गहरा भी है, यानी कि सबसे बड़ा पूछा जाए या सबसे गहरा, तो प्रशांत महासागर ही है। इसमें सबसे गहरा जो स्थान है वो है मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त, ये सबसे गहरा स्थान है। पहले नंबर पर आता है सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरे पर आता है अटलांटिक महासागर, तीसरे पर आता है यहाँ पर हिंदुस्तान के नीचे कौन सा महासागर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, बिल्कुल हिंदुस्तान के नीचे कौन सा है, हिंद महासागर, ये तीन यानी नंबर तीन पर है सबसे बड़ा। अब एक रह गया हमारा आर्कटिक महासागर, वो उत्तरी ध्रुव पर है, आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, अब बात करते हैं और क्या क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, ये जो स्थान है ये कोई पानी, ये क्या है, एक भूमध्य, क्या बोले जाएंगे इसको, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, ये सबसे बड़ा सागर है, ये तो महासागर है, ये सागर है, ये विश्व का सबसे बड़ा सागर है भूमध्य सागर। इसको भूमध्य के नाम क्यों दिया, क्योंकि इसको 21 देश घेरे हुए, बीच में 21 देश, पांच तो अफ्रीका के हैं, पांच एशिया के हैं, और 11 यूरोप के हैं। ठीक है, पांच अफ्रीका के हैं, पांच एशिया के हैं, और 11 किसके हैं, यूरोप के। तो टोटल इसको 21 देश घिरे हुए हैं, ये भूमध्य सागर है। इसी में नील नदी जो है गिरती है, जैसे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी गिरती हैं, ऐसे ही इसमें जो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो इसी में गिरती है। अब कभी क्वेश्चन आ जाए जो नील नदी है भाई उस वो कहाँ पर गिरती है उसका पानी, तो भूमध्य सागर में ही गिरता है। अगर कभी ये पूछा जाए भाई वो निकलती कहाँ से, तो वो अफ्रीका से ही, ठीक है, पूर्वी जो स्थान है अफ्रीका का, यहाँ से गिरती, यहाँ से चलती है भाई जो नील नदी है, और यहाँ से होते हुए वो भूमध्य सागर में गिर जाती है। और कहाँ से निकलती, जो स्थान है उसको बोलते हैं विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, और विक्टोरिया झील कहाँ पर है, अफ्रीका में। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर मैं इनको रफ कर रहा हूँ, ये जो तीन लाइन है, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कौन कौन सी, ये भाई 23.5 डिग्री उत्तरी है, ये 23.5 डिग्री दक्षिण, और ये मध्य यानी कि भूमध्य। अब जो कल लेक्चर देखा हुआ एक बार और देख लेना, ये भूमध्य रेखा है, कौन सी है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री, ठीक है, जो 0 डिग्री पर है, तो 0 डिग्री पर ये है। अगर हम उसके 23.5 डिग्री नीचे आते हैं, दक्षिण की तरफ आते हैं, तो वो कौन सी रेखा होगी, मकर रेखा। अगर 23.5 डिग्री हम उत्तर की तरफ जाएंगे, तो वो कौन सी होगी, कर्क रेखा। तो हमारे भारत में कर्क रेखा गुजरती है, हम अलग से बताएंगे कर्क रेखा में जो भारत के कौन कौन से राज्य आते हैं,
तो उनके बारे में जब हम भारत की भूगोल स्टार्ट करेंगे तब करवाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा भी भारत से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है। और अफ्रीका, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है इकलौता जिसमें से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। अब बात करते हैं ये ऑस्ट्रेलिया, ये जो सातवां महाद्वीप है इसको क्या कहा जाता है, प्यासी भूमि कहा जाता है। प्यासी भूमि क्यों कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भाई पानी की बहुत कमी है तो इसलिए इसको प्यासी भूमि कहा जाता, प्यासी भूमि कहा गया। और दूसरा नाम इसका कहा गया रेशम का देश, वैसे पूरा आएगा सुनहरे रेशम का देश, सुनहरे रेशम का देश किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया, या फिर सुनहरे रेशम का महाद्वीप किसे कहा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया में दो या तीन ही देश हैं भाई, जैसे औरों में किसी में 50 है, किसी में 51, किसी में 4, तो ऑस्ट्रेलिया में दो या तीन है, एक अलग से है यहाँ पर भाई न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंडर में आता है। एक यहाँ पर है भाई जापान, ये है जापान, इसको क्या कहेंगे, उगते हुए सूरज का देश। जापान को क्या कहेंगे, उगते हुए सूरज का देश, क्योंकि ये सबसे पूर्वी क्या है देश है, सबसे पूर्वी देश है और जो सूर्य है सबसे पूर्व में निकलता है, तो सबसे पहले कहाँ पर निकलता है, जापान में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। चलिए आज के लिए इतना ही, जो अगला लेक्चर होगा उसके बारे में कुछ और जानकारी अच्छी अच्छी मिलेंगी, तो जितना हो सके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।